Hello, my dear students. Well, after a long time, huh? Yes, actually, today I'm going to cover a lesson of class 7, and the name of the lesson is Rosa Parks Fight for Justice. Now, why do you find this lesson so difficult? I'll tell you why. Whichever lesson you read, it's very important that you are aware of the background of the picture. Yes, तो एक बार आपको इस लेसन में जो कैरेक्टर्स हैं एंड वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द लेसन, उसके पीछे की स्टोरी जब आपको पता चल जाएगी ना कि उस टाइम पे जहाँ वो रह रहे थे, उस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, राइट, ऑल दोज थिंग्स. बहुत इजी चैप्टर है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. नाउ रोजा पार्क्स, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर इज दैट दिस इज नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर, राइट. दिस इज अ रियल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन अमेरिका, राइट, इन 1955, राइट. सो रोजा पार्क्स वॉज एन एफ्रो अमेरिकन वूमन. नाउ एफ्रो अमेरिकन क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा दैट यू नो योर फोर फादर्स और योर एंसेस्टर्स दे वर फ्रॉम अफ्रीका, बट देन लेटर ऑन नाउ यू विद योर फैमिली यू गॉट सेटल्ड इन अमेरिका, सो दैट वेज यू आर अमेरिकन. सो बेसिकली दे वर द ब्लैक पीपल स्टेइंग इन अमेरिका. सच पर्सन्स आर कॉल्ड एफ्रो अमेरिकन पीपल. एंड वेन वी टॉक अबाउट रोजा पार्क्स, सो लेट मी टेल यू, शी वॉज फियरलेस, शी वॉज अवेयर ऑफ हर राइट्स. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मुझे बोल के पागल बना दोगे और मैं बन जाऊंगी. नो, शी वॉज वेरी मच अवेयर कि ये मेरे राइट्स हैं एज अ ह्यूमन बींग्स एंड आई हैव टू गेट दैम. एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हर, शी इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट that took place in America. It which started in 1954. Now this movement, what is this movement? Civil rights movement. ये क्यों start की गई बेटा? First of all, ये start की जो हमारे Africans थे, okay? Afro-Americans जो थे. Now उनको क्यों ज़रूरत पड़ी? ये movement की गई थी बेटा racism को abolish करने के लिए, racism को ख़त्म करने के लिए. Now racism क्या होता है, ठीक है? इस तरह से हम point to point चलेंगे and it will be a very interesting story for you all. Now racism क्या होता है? Discrimination, injustice on the basis of races. कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, बिकॉज यू नो अमेरिकन्स दे आर वाइट स्किन्ड पीपल, है ना, बहुत गोरे होते हैं, वाइट वाइट स्किन्ड पीपल, दे आर कॉल्ड वाइट्स, राइट. तो ऑन द अदर हैंड जो अफ्रीकन्स हैं दे आर कॉल्ड ब्लैक्स, राइट, ब्लैक. तो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे. तो वहाँ पर उस वक्त क्या था कि अगर आप वाइट हैं या ब्लैक हैं तो आपके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके लिए लॉज हैं, आई मीन दे वर सेग्रीगेटेड, दे वर डिफरेंट. कि अगर ऐसा नहीं था कि एक लॉ है तो ब्लैक और वाइट दोनों के लिए सेम है, नो no. तो ये तो क्या हो गया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना ब्लैक्स के अगेंस्ट. तो अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, हमारे साथ कोई भी ऐसा कुछ करे, कहीं पे भी हम गए हुए हैं और वो किसी भी बेसिस पे, हमारे कलर पे, हमारे कास्ट पे, हमारे किसी भी चीज़ को लेकर अगर हमारे लिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनजस्टिस होगा, वी वोंट लाइक दैट. यस, तो यही हो रहा था इनके साथ, ठीक है. तो अब जो हैं ये लोग थे, उस रोजा पार्क्स उनमें से एक थी जिसको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इसके अगेंस्ट यू नो शी डिसाइडेड टू टेक सम स्टेप्स फॉरवर्ड. शी कुड नॉट डाइजेस्ट दैट कि चलो हो रहा है तो होने दो. नो, शी वॉजंट सच काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी. नाउ अब क्या होता है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया कि उस टाइम बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रही थी, ठीक है, और क्या कौन है रोजा पार्क्स और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी उस वक्त अमेरिका की और क्या कंडीशन थी एफ्रो अमेरिकन्स की इन अमेरिका. अब आते हैं हम स्टोरी की स्टार्टिंग पे, राइट. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन दिस डेट, डिसेंबर 1, 1955,
right? Now, what happened on this day? Rosa Parks, as a routine, she used to take bus in the morning when she used to go for work. Now, what was the condition in the bus? There were separate seats. There was segregation. ठीक है, सेग्रीगेशन क्या होता है कि किसी एक जगह को ना बांटा हुआ है कि ये आपके लिए है और ये आपके लिए है, राइट? तो मैंने आपको बताया रेसिज्म है, ठीक है? रेसिज्म के चलते बस में भी क्या था, ये वाइट लोगों की सीटें हैं और ये ब्लैक लोगों की सीटें हैं, और उसमें क्या होता था कि वाइट की जगह पर ब्लैक नहीं बैठ सकते. इन केस वहाँ पे कोई भी नहीं है उस टाइम पे, सीट वेकेंट है, स्टिल यू कैन गो फॉर दैट सीट, बट इफ द वाइट्स आर देयर यू विल हैव टू गेट अप फ्रॉम देयर एंड टेक अ बैक सीट. तो ये सीन था बस का. तो क्या होता है कि उस दिन रोजा पार्क्स बस में जाती हैं और वहाँ पे जो एक वाइट्स की सीट थी इट वॉज वेकेंट, सो शी वेंट एंड सैट देयर, राइट? बट उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद नेक्स्ट स्टॉप पे टू वाइट पीपल दे बोर्डेड द बस, एंड एज द रूल देयर द बस ड्राइवर ही आस्क्ड रोजा पार्क्स टू गेट अप and move back. Well, it must be quite humiliating for Rosa. तो क्या होता है ना कि जो driver है उसने उसको बोला एक बार, but Rosa ने क्या कहा, मैं नहीं उठूँगी, I will not get up, I'll not move. तो जो driver थे और जो conductor थे उन्होंने उसको बोला कि if you do not get up from here, we'll have to call the police. Yes? They thought कि रोजा पार्क्स जो है वो डर जाएंगी और वो पीछे चल जाएंगी, but as I told you, she was a fearless woman. So उसने क्या बोला, do whatever you can, go ahead with that, आपको जो करना है कीजिए, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ. और वो क्या कहती है, जितना उनका राइट है उतना ही मेरा भी है. और फिर होता है वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वहाँ पे रोजा पार्क्स जो है she got arrested there. Now, following her arrest, you know, the whole African community, the whole Afro-American community there, they got united. Now, King Martin Luther Jr. Now, he was an activist and a very prominent figure in civil rights movement. So, he came forward and he led a boycott. Now, boycott होता क्या है? तो boycott जो था वो किसका किया? Boycott किया गया bus services का, ठीक है? Bus services का. तो King Martin ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी community को ये बात बोली और उन्हें request किया कि आज से हम किसी भी public bus को use नहीं करेंगे. हम उसमें ट्रैवल नहीं करेंगे, यानी कि हम उसे बायकॉट कर देंगे, ठीक है? यानी कि हम उस सर्विस को अवेल नहीं करेंगे, आज से कोई भी एफ्रो अमेरिकन नहीं करेगा. तो अब ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से क्या होगा कि उन बसेस को बहुत सारे एफ्रो अमेरिकन जो हैं दे यूज टू ट्रैवल थ्रू बसेस ओनली, राइट? नाउ इफ दे स्टॉप availing this facility, what will happen? The government will go into a huge loss, right? तो यही उनका जो है वो trick थी कि हम government पे attack करेंगे ऐसा करके, कि अगर आप Rosa Parks को इस तरह से आपने arrest किया है which is totally an injustice, तो उससे object करने के लिए, उससे प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस बायकॉट को स्टार्ट कर दिया. एंड विल यू बिलीव कि ये जो बायकॉट था इट कंटिन्यूड फॉर 381 डेज. कैन यू बिलीव मोर देन अ ईयर? यस. बट इस पूरी मेहनत का जो रिजल्ट था दैट वाज ब्यूटीफुल फॉर ब्लैक्स. It was wonderful. On December 20, 1956, the segregation which was there in the buses was made illegal. जो buses में जो segregation था seats को लेकर, उसे illegal बना दिया गया वहां से. So this is the lesson, Rosa Parks fight for justice. I hope you have understood, students. Now, thank you so much. Bye bye.